मायसेल्फ अभिषेक चौहान, फैकल्टी ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग। आज का टॉपिक है हमारा नंबर एनालॉजी। सेशन स्टार्ट करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। नाउ कम टू द टॉपिक नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी में बेसिक क्या होता है कि आपको तीन नंबर गिवेन होते हैं। कितने नंबर गिवेन होते हैं? तीन नंबर गिवेन होते हैं। मान लीजिए वो तीन नंबर लिख लेते हैं N1, N2 और N3। यहाँ दो बिंदु लिखेगा और इसके बाद क्या करेगा, यहाँ चार बिंदु लिखेगा। फिर मान लीजिए एक नंबर है N3 और आपको पूछेगा कि यहाँ वाट। तो पिछले क्लास में हमने बताया था कि इसको कहा जाता है एनालॉजी रिलेशन। इसे क्या कहा जाता है? एनालॉजी रिलेशन। मतलब कि ये दो नंबर जो है, पहला जो पेयर होता है, ये एक पेयर बनेगा, ये एक जोड़ा बनेगा, ये एक वन पेयर बनेगा आपको, जिसको जोड़ा कहते हैं। दूसरा पेयर आपको इस साइड में होगा, इनके बीच में कोई एक रिलेशन होगा। N1 और N2 कोई एक खास रिलेशन के साथ जुटा होगा। ये रिलेशन क्या हो सकता है आपका? स्क्वायर का हो सकता है, क्यूब का हो सकता है आपका, प्राइम नंबर का हो सकता है आपका, मल्टीप्लीकेशन का हो सकता है, डिवीजन का हो सकता है आपका, बहुत सारे ऑपरेशन हो सकता है। ये किसी ना किसी एक ऑपरेशन के थ्रू N1 और N2 जुटा हुआ रहेगा। अगर ये दोनों डायरेक्ट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, इसको कहा जाता है बेसिक रिलेशन। अगर N1 का रिलेशन अगर आपको चार बिंदु के इस साइड होगा, इसको कहा जाता है एडवांस रिलेशन। क्या कहा जाता है इसको? एडवांस रिलेशन। एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं, इसको कहा जाता है एडवांस रिलेशन। तो आपने देखा कि दो पेयर होता है, एक N1 N2 होता है, वो कंप्लीट दिया हुआ रहेगा। N3 और वाट, इस पेयर में से वाट का मान को बताना है आपको। N1 और N2 का आपको रिलेशन पता चल जाएगा कि स्क्वायर पे है कि क्यूब पे है कि प्राइम नंबर पे है कि मल्टीप्लीकेशन पे है। तो सेम रूल लगाएंगे N3 और वाट के लिए। एग्जाम्पल के लिए आपको समझाते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 4 और यहाँ पे दे दिया आपको 9 और यहाँ पे दे दिया आपको 25 और यहाँ पे पूछ रहा है वाट। तो आपको देखने से क्या पता चल रहा है? कहिएगा कि सर यहाँ पे स्क्वायर का लॉजिक लग रहा होगा, ये 2 का स्क्वायर है। यहाँ पे देखने पे 9 क्या लग रहा है? 3 का स्क्वायर है। यहाँ पे देखने पे क्या लग रहा है? 5 का स्क्वायर है। यहाँ पे देखने पे क्या लगा कि यहाँ पे लॉजिक जो होगा स्क्वायर का होगा। क्या का होगा? स्क्वायर का होगा। तो यहाँ भी जो नंबर होगा, लॉजिक जो होगा, डायरेक्ट स्क्वायर आ रहा है। उसमें ना कुछ ऐड किया जा रहा है, ना कुछ सबट्रैक्ट किया जा रहा है, ना तो कुछ जोड़ा जा रहा है, ना कुछ घटाया जा रहा है। यहाँ जो भी नंबर होगा, वाट जो होगा, वो भी कोई ना कोई स्क्वायर ही होगा। क्या होगा? कोई ना कोई स्क्वायर होगा। इस प्रकार से पता चला कि ये दो नंबर आपको गिवेन था। आपको यहाँ क्या था? ये दोनों नंबर गिवेन था, कंप्लीट पेयर था। ये एक पेयर है, कंप्लीट पेयर है। और यहाँ 4 और 9 का देख रहे हैं कि डायरेक्ट रिलेशन है। 2 में 1 ऐड करके 3 बनाया और 3 का स्क्वायर कर दिया। तो उसी प्रकार से 5 में 1 ऐड हो सकता है, यहाँ पे 6 का भी स्क्वायर हो सकता है। बाद में पता चलेगा कि क्या होगा नहीं होगा। यहाँ पे 6 का स्क्वायर मतलब आंसर आपका 36 भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आंसर 36 होगा, लेकिन 36 हो सकता है आपको। यहाँ पे हमने क्या देखा कि दो नंबर देखा, एक पेयर में 2 नंबर, अगले पेयर में देखा कि एक नंबर गायब है। तो वाट का वैल्यू आपको पता करना है। रिलेशन पता चल जाएगा तो वाट का वैल्यू पता चल जाएगा। तो कोई जरूरी है सर कि क्या ये नंबर जो रहता है हमेशा 3 ही नंबर देगा? नहीं, 3 नंबर नहीं दे सकता, 3 से ज़्यादा भी दे सकता है आपको। कहने का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पे N1 दे दिया, N2 दे दिया, फिर यहाँ पे लगा दिया 4 बिंदु, फिर यहाँ N3 दे दिया, फिर यहाँ N4 दे दिया, यहाँ दे दिया 4 बिंदु, मतलब N5 दे दिया और वाट पूछ। यहाँ तो देख रहे होंगे कि सर एक पेयर, दो पेयर, यहाँ पे 3 पेयर हो गया। तो कोई जरूरी है सर कि हर पेयर को चेक करना? नहीं। आप अगर आपको लॉजिक N1 N2 में ही पता चल गया, आपको यहाँ पे ही लॉजिक पता चल गया कि N1 N2 में लॉजिक पता चल गया, N3 और N4 को आपको चेक करने का जरूरत नहीं है। N3 और N4 को तब चेक कीजिए जब आपके पास कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। तो हम लोग देखते हैं कि नंबर एनालॉजी को किस तरह से पूछा जाता है। अगर इस टॉपिक को देखा जाए तो SSC और आपको रेलवे के एग्जाम जो होते हैं और स्टेट एग्जाम जितने भी होते हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और इसमें क्या होता है कि कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई रहती है। तो हमको कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है उसको जानना है कि कैसे इसको सॉल्व करने का टेक्निक होना चाहिए ताकि मेरा आंसर एग्जैक्ट आ जाए। तो चलते हैं
देखते हैं कि नंबर एनोलॉजी से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर एनोलॉजी में क्या होता है कि दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है कि पेयर वाला जो होता है, जो बता रहे थे कि आपको 3 नंबर दे दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 दे दिया, यहाँ पे 5 दे दिया, यहाँ पे 8 दे दिया, यहाँ पे वाट दे दिया। यहाँ देख रहे हो कि पेयर में आ रहा है, एक पेयर यहाँ है और एक पेयर यहाँ है, ऐसे प्रश्न को कहा जाता है। ये जो क्वेश्चन होता है ये होता है पेयर एनालॉजी पे। और क्या होता है, दूसरा होता है ग्रुप एनालॉजी। ग्रुप एनालॉजी में क्या होता है कि यहाँ देख रहे हो कि 2 ही नंबर का जो पेयर बन रहा है, यहाँ क्या होगा कि 3 नंबर का ग्रुप बन जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 2 हो गया, यहाँ पे हो गया 5 हो गया, और यहाँ मान लीजिए 11 हो गया। यहाँ देख रहे होंगे कि 2 नंबर नहीं है, कितने का ग्रुपिंग कर रहा है, तो 3 नंबर का ग्रुप होगा। क्या कोई जरूरी है सर कि 3 नंबर का होगा? नहीं, ये 3 नंबर का नहीं, 4 नंबर का भी हो सकता है। तो मतलब कि जो ऐसा प्रश्न जिसमें 2 से ज्यादा संख्या का ग्रुप बनता है उसको हम लोग कहते हैं ग्रुप एनालॉजी। और ऐसे प्रश्न जिसमें नंबर जो होते हैं हमेशा पेयर के रूप में रहते हैं उसको कहा जाता है पेयर एनालॉजी। यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2, 5, 11 है, यहाँ पे मान लीजिए लिख लेते हैं 23, यहाँ पे कितने नंबर दिए हुए, तो कहिएगा सर यहाँ पे 4 नंबर दिए हुए। कैसा प्रश्न है? तो देखने पे सर ये जो प्रश्न जो दिखाई दे रहा है ये सर, ये प्रश्न जो है सर ये ग्रुप एनालॉजी का प्रश्न है। किस चीज का प्रश्न है? तो ग्रुप एनालॉजी का है, क्योंकि यहाँ सर 2 से ज्यादा नंबर का ग्रुप बन रहा है। यहाँ कितने नंबर है? तो 3 है सर। यहाँ कितने नंबर है? तो कहिएगा 4 है नंबर। पेयर एनालॉजी में सेम कॉन्सेप्ट बताए थे कि नंबर दो पेयर जो होता है 2 से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 8 हो गया, और यहाँ पे आपको 17 हो गया, और यहाँ पे 9 हो गया, और यहाँ वाट हो गया। यहाँ देख रहे होंगे कि हमेशा जो नंबर हो रहा है पेयर में आ रहा है। यहाँ पे एक पेयर यहाँ हुआ, दूसरा पेयर यहाँ हुआ, और तीसरा पेयर में आपको वाट का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ जो प्रश्न देख रहे होंगे तो ये पेयर का है। किसका है? पेयर का है। पेयर का क्यों है? क्योंकि पेयर में हमेशा 2 नंबर होता है। ग्रुप में क्या होता है? तो ग्रुप में हमेशा 3 या 4 नंबर होते हैं। जो आपके एग्जाम में आता है तो 3 आता है, कभी कभी 4 नंबर भी आते हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं कि अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा सर, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं कि सॉल्व करने का तरीका क्या है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया मैंने नंबर एनोलॉजी का। जैसे आप देख लोगे कि 25, 49, 169 वाट। तो चलिए हम क्या करते हैं, बारी बारी से चेक करते हैं। एक लड़का जो होगा वो देखा इसको सॉल्व करने का जो तरीका होगा सर, ये हमको स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये स्क्वायर तो हमको भी दिखाई दे रहा है। एक लड़का जो चेक किया तो ये 5 का स्क्वायर दिखाई दे रहा था, और ये क्या दिखाई दे रहा था? 7 का स्क्वायर दिखाई दे रहा था। ये क्या दिखाई दे रहा था? 13 का स्क्वायर दिखाई दे रहा था। अब निकाल लेते हैं तो कहिएगा सर यहाँ पे जो हम देखें, देखें कि सर यहाँ पे 2 नंबर इंक्रीज कर दिया। कितना इंक्रीज किया वैल्यू इसका? 2। तो 5 2 कितना हो गया? 7। 7 का क्या कर दिया? स्क्वायर। तो सर अगर हम यहाँ पे 2 नंबर इंक्रीज कर दें, इसमें 13 में 2 ऐड कर देंगे तो बन जाएगा कितना? 15। और फिर क्या कर रहा है? तो सर यहाँ पे देख रहे हैं कि स्क्वायर कर रहा है। क्या कर रहा है? स्क्वायर कर रहा है। तो फिर 15 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा? 225 आ जाएगा। आंसर मेरा 225। एक लड़का मार्क क्या आ जाएगा? 225। दूसरे लड़के ने क्या कॉन्सेप्ट लगाया कि सर मुझे तो ये जो 5 और 7 और 13 है एक प्राइम नंबर दिखाई दे रहा है। जैसे ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, लेकिन ये नंबर जो हमको दिखाई दे रहा है ये नंबर खास है सर। ये 5, ये 7 और ये 13 प्राइम नंबर है, आभास संख्या है। आभास संख्या किसको कहते हैं? जिसमें 1 से भाग लगे और खुद से भाग लगे। तो सर 5 और 7 एक आभास संख्या है, तो सर 13 होगा, और ये 7 कैसे आ रहा है? तो इंक्रीज कर रहा है। जस्ट 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है? तो कहिएगा 7 होता है। उसी प्रकार से सर 13 के बाद जो प्राइम नंबर होगा वो क्या आएगा? 17। 17 का क्या कर दे रहा है आपको? स्क्वायर करेगा। तो सर 17 के स्क्वायर का अगर हम प्राइम नंबर का लॉजिक लगाते तो मेरा आंसर तो 289 आ जाता। तो 289 आ जाता तो हम तो 289 पे मार देते। तो ये भी सही है, लॉजिक आपको कोई गलत नहीं है। अच्छा एक लड़का रहा जो सोचा कि सर हम इसको मल्टीप्लीकेशन के रूप में देख रहे हैं, कि जो 25 है ना, 25 का दुगना करेंगे तो 50 आएगा। 50 में से क्या कर रहा है सर कि 1 घटा देगा तो 49 आएगा। तो सर हम 169 का दुगना करेंगे, उसमें से कितना घटा देंगे?
तो वन घटा देंगे, 169 का दुगना करेंगे तो कितना आएगा, 338 आएगा, और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे घटा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा, 337। ये कौन सा लॉजिक लगा है, यहाँ पे गुना का लगा है, मल्टीप्लीकेशन का लगा है, यहाँ लॉजिक क्या लगा है, गुना का लगा है। तो इस प्रकार से तो मेरा आंसर 337 भी सही है, ठीक है। अब एक लड़का आया, वो क्या किया कि एडिशन का रूल लगा लिया, क्या किया एडिशन का रूल लगाया, वो क्या किया बैठा तो सोचा कि सर 25 और 49 में सर 4 की वृद्धि, 24 की वृद्धि है, अगर 25 में 24 जोड़ देंगे तो 49 आ जाएगा। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 169 में 24 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 24 जोड़ेंगे तो 193 आ जाएगा। यहाँ कौन सा लॉजिक लगा, तो जोड़ का लगा, क्या का लगा, एडिशन का लगा। तो चारों लॉजिक सही है कि सर गलत है, तो चारों लॉजिक मेरा सही है, कोई भी मेरा लॉजिक नहीं है, उस हिसाब से तो सर मेरा सभी का सभी ऑल करेक्ट है, आपका ऑल करेक्ट तो है, इसमें कोई दू राय नहीं है कि आपका कोई भी लॉजिक गलत है। क्यों गलत नहीं है, क्योंकि दो नंबर को बनाने का तरीका बहुत सारा हो सकता है, वो स्क्वायर से भी बन सकता है, वो मल्टीप्लीकेशन से भी बन सकता है, वो एडिशन से भी बन सकता है, वो मल्टीप्लीकेशन में कुछ सब्ट्रैक्शन से भी बन सकता है। तो क्या सर सभी पे आपको टिक मार देना पड़ेगा, तो कहिएगा नहीं, इसमें से कोई एक आंसर होगा, वो आंसर कौन सा होगा ये डिसाइड करेगा आपका प्रायोरिटी लिस्ट। मतलब कि प्रायोरिटी लिस्ट का मतलब होता है कि इनमें से कौन टॉप पे है प्रायोरिटी लिस्ट। तो प्रायोरिटी लिस्ट को देखते हैं हम लोग क्या होता है, जो होता है हमको उसमें क्या होता है कि चारों तो लगा नहीं सकते, ठीक, इसमें क्या करेंगे प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। प्रायोरिटी लिस्ट का मतलब क्या होता है कि पहले क्या होगा, सर एक लॉजिक बनाए तो उसके अनुसार तो हमको दिखाई दिया उसके अनुसार तो हमको दिखाई दिया कि सर प्राइम नंबर भी है, मल्टीप्लीकेशन भी है, स्क्वायर भी है, तो सभी का सभी तो सही नहीं होगा, तो एक लिस्ट बनाएंगे, उसी लिस्ट के अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हमको देखेंगे ऑप्शन में, तो चूंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं ये जितने भी होते हैं ऑप्शन डिपेंडेंट होते हैं, ऑप्शन डिपेंडेंट होते हैं, आंसर आपका कोई भी गलत नहीं है, आंसर आपका सभी सही है, तो किस पे डिपेंड करता है, ऑप्शन में। अगर ऑप्शन में अगर आपका प्राइम नंबर से बनाने से आ रहा है, अगर प्राइम नंबर को बनाने से आ रहा है, अगर लॉजिक आपका प्राइम नंबर का लगेगा तो सबसे पहले इसी पे टिक करेंगे, इस पे टिक करेंगे प्राइम नंबर पे। तो पिछले वाला में देख रहे होंगे आप, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में देख रहे होंगे यहाँ पे तो मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, स्क्वायर और प्राइम नंबर लगा, तो ऑप्शन में तो चारों दिया हुआ था, लेकिन टिक किस पे मारेंगे तो 289 पे मारेंगे, किस पे टिक मारेंगे तो 289 पे मारेंगे। क्यों, क्योंकि प्रायोरिटी लिस्ट में मेरा पहला नंबर पे कौन आता है, तो पहला नंबर पे आता है प्राइम नंबर, अगर प्राइम नंबर ना हो तो दूसरे नंबर पे क्या चेक करना होगा हमको, तो आपको पावर चेक करना पड़ेगा, पावर, पावर में ही आता है आपको स्क्वायर और क्यूब आएगा, क्या आएगा स्क्वायर एंड क्यूब, डायरेक्ट स्क्वायर क्यूब नहीं चेक करेंगे, पहले देखेंगे कि प्राइम नंबर का लॉजिक है कि नहीं, अगर प्राइम नंबर का लॉजिक का आंसर ऑप्शन में मौजूद होगा तब हम लोग किसी और मेथड को अपनाएंगे नहीं, अगर प्राइम नंबर नहीं होगा तब चेक करेंगे स्क्वायर एंड क्यूब। अगर मान लीजिए कि स्क्वायर एंड क्यूब भी नहीं रहा ऑप्शन में, प्राइम नंबर भी नहीं है और पावर में स्क्वायर क्यूब भी नहीं है, तो तब हम लोग जाएंगे मल्टीप्लीकेशन, शुरू में नहीं जाना है, क्या जाना है मल्टीप्लीकेशन, गुना या डिवीजन। अगर सर ये तीनों नहीं रहा, तीनों से हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, सर तीनों से सॉल्व हो रहा है, तो अगर ऑप्शन में प्राइम नंबर का आंसर ऑप्शन नहीं है, स्क्वायर क्यूब का ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब समझ जाना है कि मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन का आंसर ऑप्शन में मौजूद होगा। अगर सर डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन भी नहीं होगा तब लास्ट में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सोचना है, जोड़ और घटाओ, तब आपको क्या सोचना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ एंड घटाओ। अगर सर ये चारों ही ऑप्शन में नहीं रहा है, मान लीजिए प्राइम नंबर का भी आंसर ऑप्शन में नहीं है, स्क्वायर क्यूब का भी नहीं है, मल्टीप्लीकेशन का भी नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और सर अगर इनमें से कोई भी नहीं रहा, इनमें से जब कोई भी नहीं रहेगा तो VBI जो होता है ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला पैटर्न होता है, तब इसका मतलब समझ लेना है ना कि इलॉजिकल पैटर्न हो रहा है,
इलॉजिकल पैटर्न में का मतलब होता है कि ऑपरेशन ऑन डिजिट आएगा, कोई साधारण मैथ का रूल उसमें फॉलो नहीं करेगा, वो डिजिट पे क्या होगा, कोई ऑपरेशन हो रहा होगा, ऑपरेशन ऑन डिजिट। ऑपरेशन ऑन डिजिट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अगर 15 आपको लिखा हुआ है, तो ऑपरेशन ऑन डिजिट में क्या करेगा कि दोनों को गुना करके भी आपको लिख देगा, तो 1 और 5 का गुना करके क्या लिख दीजिएगा, 5। तो 15 का रिलेशन ऐसे भी लिख देगा 5, क्या करेगा कि 1 और 5 में आपको भागा भी दे सकता है, जैसे 5 में 1 से भागा दिया तो कितना आ गया, 5 आ गया, या 1 में 5 से भागा दिया तो आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। अब क्या कर सकता है कि सर गुना भी कर सकता है, तो जोड़ भी सकता है, तो इसको क्या लिख सकता है, तो 15 के जगह लिख सकता है 15 है, और यहाँ 6 भी लिख सकता है, ये कैसे आया होगा, तो 5 में 1 जोड़ रहा होगा। सब्ट्रैक्शन भी कर सकता है, 5 में से 1 घटा के भी लिख सकता है, कितना आएगा, 4। तो फिर 15 के बगल में क्या लिख देगा, 4। ऐसा ऑपरेशन जो डिजिट पे हो रहा होगा, जो मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर क्यूब, प्राइम नंबर का रूल, प्राइम नंबर का रूल तो नहीं लगेगा, लेकिन स्क्वायर क्यूब ये सब जो होगा मल्टीप्लीकेशन, वो डिजिट पे हो रहा होगा, क्या पे हो रहा होगा, डिजिट पे। तो ये पैटर्न आपको सबसे लास्ट में लगाना है। पहला क्या देखना है प्रायोरिटी लिस्ट में, तो पहला तो प्राइम नंबर देखना है, प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। पावर देखना है, पावर में क्या देखना है, स्क्वायर एंड क्यूब। पावर क्यों लिखे कि कितने बार क्या होता है कि आपको स्क्वायर क्यूब नहीं देगा, जैसे 10 है तो 10 के बगल में यहाँ लिख देगा 1000, ये 1000 क्या दिखाई दे रहा है, तो सर इसका सर क्यूब दिखाई दे रहा है, ठीक है ये क्यूब है। कितने बार क्या होगा कि 10 लिख देगा, और यहाँ 1000 की जगह आपको लिख देगा 10000 लिख देगा, क्या लिख देगा, 10000। यहाँ तो क्यूब नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं कि सर ये पावर 4 है, तो 10 का पावर क्या कर दे रहा है, सर 4। इसी प्रकार से आपको कोई दे देगा 5, या 5 का पूछेगा तो 5 का पावर कितना कर देंगे, 4, वही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसीलिए हम पावर लिखे हैं, अगर पावर 2 और 2 गो रहेगा तो स्क्वायर होगा, अगर 3 रहेगा पावर तो क्यूब कहलाता है, और मोर देन रहेगा तब तो हम सॉल्व आसानी से कर लेंगे, वो आसानी से दिखाई देगा कि पावर 4 है कि पावर 5 है कि क्या है इस। अच्छा, पावर के बाद अगर पावर वाला वो ऑप्शन में मौजूद नहीं रहा तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन नहीं रहेगा तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जोड़ घटाओ, और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी नहीं रहेगा तब ऑपरेशन ऑन डिजिट होगा, आपको क्या रहेगा, ऑपरेशन ऑन डिजिट। इसको हम बारी बारी से देखते हैं। आज के क्लास में हमारा फोकस रहेगा केवल यही दो, एक प्राइम नंबर और एक पावर। नेक्स्ट क्लास में जब इसके थ्योरी को देखेंगे तो उसमें देखेंगे मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ऑपरेशन ऑन डिजिट। तो ये 3 जो होगा इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट के क्लास में, अभी के लिए हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर क्या, लॉजिक का पे कैसे प्रश्न पूछा जाता है, ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर के लॉजिक पे। आपके सामने लिखा हुआ देख रहे होंगे कि प्राइम नंबर के बेस पे एनालॉजी पे 2 तरह का क्वेश्चन आता है। एक तो प्राइम नंबर आपको का डायरेक्ट सीरीज रहेगा, डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट सीरीज रहेगा, सीरीज कहने का मतलब है कि प्राइम नंबर ही रहेगा केवल, तो लिखा हुआ ना स्क्वायर रहेगा ना क्यूब रहेगा उसका। तो प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो वैसी संख्याएं जो केवल अपने से भाग लगे और 1 से लगे। तो सबसे पहला प्राइम नंबर कौन होता है, तो 2 होता है, फिर उसके बाद 3 होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, 5 होता है, फिर क्या होता है, 7 होता है, फिर क्या होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, 23 होता है, इसी प्रकार से जाता है, 29 होता है, 31 होता है। ऐसा पैटर्न जिसमें केवल प्राइम नंबर का डायरेक्ट सीरीज लिखा जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि प्राइम नंबर का ये डायरेक्ट लॉजिक का सीरीज है। अगर कितना बार क्या होता है कि क्या कैसे लिखेगा, जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं आपके सामने, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लिख दिया यहाँ पे लिख दिया 2 और यहाँ पे लिख दिया आपके पास 5, यहाँ पे लिख दिया वाट और यहाँ पे लिख दिया 11 और यहाँ पे लिख दिया वाट, तो देख रहे होंगे 2, 5 और 11 ये क्या है, सभी के सभी प्राइम नंबर है। तो पहला देखना है कि 2 को 5 कैसे बना, तो सर 2 एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, आया कैसे, तो सर एक प्राइम नंबर बीच में 3 जो आ रहा था वो गैप कर दिया था, 1 वाले जो नंबर है प्राइम नंबर वो गैप करके आ रहा है, तो 11 के बाद क्या आना चाहिए था, तो 13, 13 नहीं आएगा, क्यों सर एक गैप ले लिया, तो 13 नहीं आएगा, तो यहाँ क्या जाएगा, तो 17 होगा, आंसर क्या जाएगा, 17 जाएगा। अगर कहीं भी लॉजिक में प्राइम नंबर आ रहा होगा उसी का आंसर आपको ऑप्शन में देखना है,
अगर 17 ऑप्शन में मौजूद रहता तो फिर हम लोग टिक मारते 17 पे, अगर 17 नहीं मौजूद रहता तो समझ जाते कि प्राइम नंबर का लॉजिक नहीं लग रहा है, तब फिर किसको चेक करते, स्क्वायर एंड क्यूब का। अगर स्क्वायर एंड क्यूब का भी नहीं रहता तो फिर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का, उसका भी ऑप्शन में मौजूद नहीं रहता तो फिर हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते, वो भी नहीं मौजूद रहता तो फिर क्या करते, ऑपरेशन एंड डिजिट करते। दूसरा देखते हैं कि प्राइम नंबर में जो होता है उसमें इनडायरेक्ट फॉर्मेट में कैसे आता है। जैसे अभी आपके सामने हमने लिखा था कि मान के चलिए कि हम लिख रहे थे 9 लिखे थे, 25 लिखे थे और यहाँ पे लिख दिए 11 और वाट। तो ध्यान दीजिए ये क्या है, तो ये सर स्क्वायर तो सभी नंबर दिखाई दे रहा है लेकिन एक खास पैटर्न है सर, यहाँ पे 121 कर लीजिए, 11 नहीं 121, यहाँ पे 11 का स्क्वायर, ये सभी का सभी स्क्वायर है, ये सभी का सभी क्या है वर्ग है, लेकिन ये स्क्वायर भी क्या है एक खास पैटर्न का है, ये भी स्क्वायर जो है वो क्या है खास पैटर्न का। खास पैटर्न क्या है कि सर 3, 5 और 11 का स्क्वायर जो है ये लेकिन एक नंबर है, क्या नंबर है प्राइम नंबर है, इसका मतलब यहाँ जो भी स्क्वायर होगा वो प्राइम नंबर जो भी होगा उसी का क्या होगा स्क्वायर होगा, वही मेरा आंसर होगा। तो आया कैसे उस पैटर्न को खोजना है, तो सर कहिएगा सर 3 के बाद 5 मतलब ये लगातार आ रहा है प्राइम नंबर, क्या रहा है लगातार, गैप नहीं है, 3 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है 5 आता है। तो यहाँ भी जो नंबर आएगा 11 के बाद जो आता है प्राइम नंबर वो क्या आता है 13 आता है, और हमको चूंकि तो स्क्वायर का लॉजिक लग रहा था तो 13 का स्क्वायर कर देते थे कितना जाता 169, आंसर क्या आ जाएगा मेरा 169। यहाँ तक तो समझ में आ गया, तो चलते हैं और इस पे देखते हैं एग्जांपल को, हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है नहीं होता है। चलिए और एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि इसके प्राइम नंबर के बीच में क्या इसका एग्जांपल और होते हैं जिस पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे, यहाँ लिख दिया 8, यहाँ पे लिख दिए 27 और यहाँ लिख दिया आपको 125 और वाट। यहाँ क्या देख रहे हैं कि 8, 27, 125 ये सब एक घन है, क्यूब है, ये क्या है 2 का घन है, यहाँ क्या है 3 का घन है, यहाँ क्या है 5 का घन है, यहाँ भी कोई ना कोई जो भी नंबर होगा वो उसका क्या होगा क्यूब होगा, लेकिन कौन सा नंबर होगा सर, ये लगातार नंबर होगा, 2 के बाद 3 आ रहा है तो 5 के बाद 6 आएगा, नहीं ये 2, 3, 5 एक खास नंबर दिखाई दे रहा है, ये नंबर क्या है प्राइम नंबर। अगर कहीं लॉजिक में प्राइम नंबर दिखाई देगा तो उसी का लॉजिक लगाना है, क्या दिखाई दे रहा है 2, 3, 1, 5 क्या है प्राइम नंबर है, तो सर यहाँ 2 और 3 कैसे आया तो लगातार आ रहा है, क्या रहा है लगातार, तो 5 के बाद कौन सा आएगा तो सर 5 के बाद लगातार आता है प्राइम नंबर जो होता है, तो 6 तो होता नहीं है तो वो क्या होगा 7, चूंकि सर क्या हो रहा है 7 का घन होगा तो कितना हो जाएगा 343, क्या हो जाएगा 343। चलिए और देखते हैं एग्जांपल कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया 4, क्या दे दिया यहाँ पे 4 और यहाँ पे दे दिया मान लीजिए कि 25 और यहाँ पे मान लीजिए दे दिया 49, यहाँ पे दे दिया वाट। तो यहाँ देखिए क्या है, सभी का सभी स्क्वायर है, ये तो दिखाई दे रहा है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये क्या का स्क्वायर है 7 का स्क्वायर, यहाँ जो भी नंबर होगा वो भी तो स्क्वायर ही होगा, लेकिन ये नंबर क्या होगा यही बताना है, क्या सर 2 के बाद 5 जो होता है 3 की वृद्धि वाला है, तो कहिएगा सर 3 की वृद्धि वाला तो एडिशन का तो कॉन्सेप्ट तब न लगाते सर जब हमारे पास प्राइम नंबर नहीं लगता, क्योंकि ये 2, 5, 7 एक क्या है खास पैटर्न है, क्या 2, 5, 7 क्या है खास पैटर्न है, ये क्या है एक प्राइम नंबर है, अगर संख्या में सभी का सभी प्राइम नंबर दिखाई देगा तो प्राइम नंबर का लॉजिक लगाएंगे। और ये बताइए कैसे बनना, 2 से जो हो गया यहाँ 2 का स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है 5 का स्क्वायर है, 2 से 5 क्या किया सर एक जो प्राइम नंबर है 3 उसको गैप कर दिया है, उसी प्रकार सर जो 7 होगा 7 का स्क्वायर है, यहाँ जो भी प्राइम नंबर होगा एक गैप कर जाएगा, तो 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 7 के बाद प्राइम नंबर आता है 11, वो तो होगा नहीं स्क्वायर, तो फिर इस 11 के बाद कौन सा होगा प्राइम नंबर,
13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 169। आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 169। यदि ऑप्शन में 169 नहीं होगा इसका मतलब स्क्वायर का लॉजिक नहीं होगा, तो फिर क्या होता है दूसरा नंबर पे चेक करते हैं स्क्वायर का लॉजिक चेक करेंगे। स्क्वायर का लॉजिक अगर आपको चेक कर रहे हैं तो फिर अगर ये भी फेल हो रहा है तो फिर किसको चेक करते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को। यहाँ देख रहे होंगे कि दो लॉजिक काम कर रहा है, एक तो स्क्वायर तो है ही, तो डायरेक्ट स्क्वायर नहीं गए, पहले स्क्वायर के पहले किसको चेक किए, प्राइम नंबर का लॉजिक को। कैसे चेक किए प्राइम नंबर है, तो सर 2, 5, 7 एक प्राइम नंबर है, 2 से 5 कैसे बन रहा है, तो लगातार आ रहा है, तो 7 के बाद लगातार कौन सा प्राइम नंबर आएगा, तो 7 के बाद आएगा सर 13 आएगा, इसलिए हमने 13 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। और देखते कोई कोई जरूरी है सर कि डायरेक्ट रहे, नहीं वो कितने बार होगा कि स्क्वायर क्यूब जो होगा वो डायरेक्ट नहीं होगा, उसमें कुछ जोड़ दे रहा होगा या कुछ घटा दे रहा होगा। जैसे मान के चलिए लिख दिए 7, यहाँ पे मान लीजिए लिख दिए 26, यहाँ पे लिख दिया 124 और यहाँ पे लिख दिया 8। तो देख रहे होंगे कि सर ये जो है ये क्यूब के नजदीक आ रहा है, सभी क्या रहा है, क्यूब के नजदीक आ रहा है। कैसे क्यूब के नजदीक है, क्योंकि सर सभी में से एक घट रहा है, यहाँ 5 का, इसका मतलब ये तो क्यूब का लॉजिक तो आ गया समझ में कि क्यूब लगाना है, तो यहाँ जो भी नंबर होगा, जो भी होगा उसका क्यूब होगा, ये जो भी नंबर हो उसका क्यूब होगा, और उस क्यूब में से कितना घटा देगा, 1 घटा देगा। तो लेकिन हमने गौर किया कि सर यहाँ 2, 3, 5 एक प्राइम नंबर है, यहाँ जो भी क्यूब होगा कि प्राइम नंबर का होगा, यहाँ चेक करना है कि ये जो आया 7 से 26, तो यहाँ 2 का क्यूब था, यहाँ 3 का क्यूब बना, तो कैसे बना, तो ये प्राइम नंबर से लगातार लिखा गया, और फिर लगातार लिखने के बाद उसमें से क्या किया, तो क्यूब किया और 1 घटा लिया, तो 5 के बाद लगातार जो लिखे जाने वाला प्राइम नंबर है वो कौन सा है, 7, क्या होगा 7 का क्यूब माइनस 1, 343 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 342 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 342 हो जाएगा। तो देख लिया हमने कि प्राइम नंबर कैसा होता है, प्राइम नंबर में डायरेक्ट भी दे सकता है, इनडायरेक्ट भी दे सकता है। डायरेक्ट क्या होता है, प्राइम नंबर का सीरीज होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, तो इनडायरेक्ट में सर स्क्वायर या क्यूब इन्वॉल्व करेगा। अगर सर प्राइम नंबर का लॉजिक नहीं लग रहा होगा, वो ऑप्शन में नहीं होगा, तब क्या चेक करेंगे, तो दूसरा देखने जाते हैं हम लोग प्राइम नंबर के बाद पावर, क्या देखते हैं प्राइम नंबर के बाद हम लोग क्या देखते हैं, पावर देखते हैं। पावर बेस में हम लोग क्या देखेंगे, बेसिकली दो तरह का देखेंगे, एक स्क्वायर मैक्सिमम आता है और या क्यूब वाला आता है। पावर बेस्ड वाले में क्या होता है, पहले देखते हैं इसको समझिए, जैसे आपको क्या होगा ना कि कितनी बार मान लीजिए कि यहाँ पे लिख दिया हम 4 और यहाँ पे मान लीजिए कि लिख दिए 36 और यहाँ पे लिख लिए 64। स्क्वायर तो है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है और यहाँ 8 है, क्या ये प्राइम नंबर का लॉजिक लग सकता है, नहीं सर, 2, 6, 8 है प्राइम नंबर में, 2 तो है प्राइम नंबर लेकिन 6 और 8 प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर का लॉजिक तो लगेगा नहीं। तो कैसे बनाया होगा सर, 2 से जो होगा 6 बनाया होगा, स्क्वायर किया होगा तो 4 बढ़ाया रहा होगा, उसी प्रकार से 8 है तो यहाँ 4 बढ़ा के स्क्वायर कर रहा होगा, 8 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 145, क्या आ जाएगा, 145। यहाँ गौर करिएगा, देखिएगा तो एक चीज देखिए कि यहाँ जो दोनों नंबर है पेयर का, ये नंबर और ये नंबर, दोनों नंबर जो है पेयर का, ये दोनों का दोनों क्या है, अलग अलग स्क्वायर है, क्या है, अलग अलग स्क्वायर है, मतलब कि दोनों दोनों स्क्वायर हो सकता है, या दोनों का दोनों क्या हो सकता है, क्यूब हो सकता है, अलग अलग स्क्वायर है। क्या जरूरी है सर कि हमेशा एक दोनों का स्क्वायर है एक पेयर में, नहीं, क्या होगा कि कई बार क्या होगा, जो पेयर बनेगा, यहाँ मान लीजिए कि 2 नंबर लिखेंगे स्क्वायर है, ये चाहे तो अलग अलग भी स्क्वायर और क्यूब हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, जैसे यहाँ केस देख रहे होंगे कि 2 का स्क्वायर 4 भी है और 6 का स्क्वायर 36 भी है, तो अलग अलग स्क्वायर आ रहा है, ये अलग अलग भी हो सकता है, या क्या हो सकता है, ये एक नंबर जो होगा क्या होगा, एक नंबर जो होगा, जैसे एक नंबर अलग अलग हो गया, अब इसमें क्या होगा, कितने बार होगा कि एक नंबर होगा दूसरे नंबर का स्क्वायर होगा,
कहने का मतलब यहाँ जब लिखेंगे एनालॉजी रिलेशन, एक तो होगा कि ये दोनों स्क्वायर हो या क्यूब हो, दोनों अलग अलग स्क्वायर या क्यूब हो। मान लीजिए दोनों स्क्वायर हो रहा होगा, एक एन वन स्क्वायर लिख लेते हैं या एक एन टू स्क्वायर लिख लेते हैं, या दोनों का दोनों अलग अलग क्यूब हो रहा होगा, एन वन क्यूब का क्यूब और यहाँ एन टू का क्यूब। एग्जाम्पल के लिए क्यूब रहेगा तो मान लीजिए लिख लिए 8 लिख लिए, यहाँ 27 लिख लिए, यहाँ 64 लिख लिए, यहाँ 8 लिख लिए। तो क्या देख रहे हैं, 8, 27, 64, ये सब क्या क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब, यहाँ पे 4 का क्यूब है, और यहाँ वाट जो होगा, ये कोई नंबर जो होगा ये भी तो क्या होगा, किसी नंबर का क्या होगा, क्यूब होगा। लेकिन ये क्या है, 2, 3, 4, 4 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो प्राइम नंबर का लॉजिक लगेगा नहीं। यहाँ पे देखना है कि ये जो पेयर बन रहा है पहला वाला, ये तो कंप्लीट पेयर है, ये क्या है, तो ये सब दोनों अलग अलग क्यूब है, या दोनों अलग अलग स्क्वायर भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, या एक जो होगा नंबर दूसरे का स्क्वायर या क्यूब होगा, दूसरे का क्या होगा, स्क्वायर या क्यूब होगा, चाहे तो एक नंबर होगा दूसरे का स्क्वायर क्या होगा या क्यूब होगा, क्या होगा, एक स्क्वायर होगा या क्यूब होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं कि दोनों में से कोई एक नंबर जो होगा दूसरे नंबर का स्क्वायर या क्यूब होगा। जैसे हमने लिख दिया यहाँ 2 और हम यहाँ लिख दिए 8 और यहाँ लिख दिए हम 3 और यहाँ लिख दिया वाट, तो गौर करिएगा तो यहाँ पे देख रहे होंगे 8 जो है ये तो क्यूब है, ये किसका क्यूब है, 2 का क्यूब। क्या किया है सर, कि जो बगल में जो नंबर था 2 उसी का क्या कर देगा, क्यूब। तो सर जो बगल में नंबर है उसी का क्या कर देगा, क्यूब। 3 का क्यूब करेगा तो कितना देगा, 27। यहाँ लॉजिक देख रहे होंगे कि अलग अलग लग रहा है क्या, तो कहिएगा नहीं अलग अलग नहीं लग रहा है, क्या हो रहा है कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का क्या है, तो सर क्यूब है। यहाँ जो 8 है वो 2 का कैसे आ रहा है, तो क्यूब करने से। तो एक नंबर जो गिवेन है, यहाँ एक नंबर जो गिवेन है वहां दूसरा जो नंबर कैसे बन रहा है, तो सर पहले नंबर का क्यूब कर दे रहा है, तो वही 2 का क्यूब किया तो 8 लिख दिया, क्या कर दिया, 8 लिख दिया। तो क्या हो सकता है कि स्क्वायर और क्यूब जो होगा वो इंडिविजुअल भी नंबर पे हो सकता है, या एक नंबर का दूसरे नंबर के साथ स्क्वायर या क्यूब हो सकता है। तो इसको हमेशा चेक करना है, कब चेक करना है, तो जब आपका प्राइम नंबर का लॉजिक ना लगे तब। प्राइम नंबर का लॉजिक का आंसर अगर ऑप्शन में ना रहे तब आपको क्या लगाना है, स्क्वायर एंड क्यूब, क्या लगाना है, स्क्वायर एंड क्यूब। अब क्या हो सकता है कि सर प्राइम नंबर जो होगा वो हमेशा क्या आपको डायरेक्ट रूप में दिया रहेगा, तो डायरेक्ट कहने का मतलब है कि वो तो चाहे तो डायरेक्ट स्क्वायर दे देवे, चाहे तो डायरेक्ट वो क्या दे देवे, क्यूब दे देवे। डायरेक्ट में क्या होता है कि कुछ भी नहीं जोड़ता है ना कुछ घटाता है, वो चाहे तो डायरेक्ट स्क्वायर होगा चाहे तो डायरेक्ट क्यूब हो गया। जैसे अभी हमने लिखा लिखा था 8 है और यहाँ 64 है, यहाँ 9 लिखे और वाट लिखे, तो ये क्या है, 8 का क्या है, स्क्वायर है, 8 का क्या है, स्क्वायर है। यहाँ भी जो होगा तो क्या होगा, 9 का स्क्वायर होगा, 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 181। यहाँ स्क्वायरिंग में क्या देख रहे हैं कि डायरेक्ट स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है, डायरेक्ट स्क्वायर, ना इसमें कुछ जोड़ा जा रहा है ना इसमें कुछ घटाया जा रहा है। तो ऐसा एनोलॉजी रिलेशन स्क्वायर क्यूब का जिसमें ना कुछ जोड़ा जाए ना कुछ घटाया जाए, वैसे रिलेशन को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट, वैसे को कहते हैं डायरेक्ट। अब ऐसा रिलेशन जो डायरेक्ट नहीं हो उसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होगा, आपको स्क्वायर क्यूब डायरेक्ट नजर नहीं आएगा, चाहे तो स्क्वायर कर रहा होगा तो उसमें चाहे तो कुछ नंबर जोड़ेगा या कुछ नंबर घटाएगा, या क्यूब होगा तो उसमें कुछ नंबर जोड़ेगा या कुछ घटाएगा, या स्क्वायर होगा या क्यूब होगा उसको किसी नंबर से चाहे तो भागा दे रहा होगा या उस नंबर को किसी से गुणा कर रहा होगा। जब किसी भी नंबर में जो स्क्वायर हो उसमें जब आप जोड़ते हैं या घटाते हैं या आप गुणा करते हैं या भाग देते हैं, वैसे फॉर्मेट को कहा जाता है इनडायरेक्ट, वैसे को कहा कहा जाता है इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल लेके आपको समझा देते हैं, जैसे यहाँ की इनडायरेक्ट में मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 2 और यहाँ दे दिया 5, यहाँ दे दिया 6 और यहाँ दे दिया 8, तो हम सोच रहे हैं 2 और 5, यहाँ हमको 5 जो है स्क्वायर दिखाई दे रहा है, किसका दिखाई दे रहा है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1,
किया है कि सर जो पहला नंबर है उसी का स्क्वायर किया और उसी में क्या जोड़ दिया, एक जोड़ा। इसी प्रकार से जो यहाँ 6 होगा सर, 6 में क्या करेगा, 6 का स्क्वायर करेगा, उसमें कितना जोड़ देगा, एक जोड़ देगा, कितना आंसर आ जाएगा, 37। यहाँ जो देख रहे होंगे जोड़ने का काम जो कर रहा है वो उसको कहा जाता है इनडायरेक्ट फॉर्मेट, उसे कहा जाता है क्या, इनडायरेक्ट फॉर्मेट। वैसा एनालॉजी रिलेशन जो डायरेक्ट स्क्वायर क्यूब नहीं हो उसको कहा जाता है इनडायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे देख रहे होंगे कि स्क्वायर डायरेक्ट नहीं है, उसमें कुछ जोड़ा गया है। क्या सर हमेशा जोड़ा जाएगा, तो नहीं, जोड़ा भी जा सकता है या घटाया जा सकता है। इनडायरेक्ट में आपको लिखा है चाहे तो स्क्वायर या क्यूब जो रहेगा उसमें कोई चीज जोड़ेगा चाहे तो कुछ उसमें घटाएगा, या स्क्वायर और क्यूब जो रहेगा इसको किसी ना किसी नंबर से क्या कर देगा, गुना कर देगा। एग्जाम्पल के लिए आपको बता देते हैं, जैसे मान लीजिए 2 है, यहाँ मान लीजिए 24 है, यहाँ मान लीजिए 3 है, यहाँ 8 है। अब आपको लग रहा होगा कि सर पहले मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 2 का 12 गुना करेंगे तो 24, नहीं, मल्टीप्लीकेशन तब सोचना है जब आपका स्क्वायर और क्यूब का आंसर ऑप्शन में ना हो। अगर स्क्वायर और क्यूब से बनाने के बाद आंसर में आपका ऑप्शन में मौजूद ना होगा तभी आपको मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के पास जाना है। लास्ट में किसके पास जाना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, और एटलीस्ट लास्ट में जो होगा वो क्या होगा, आपका ऑपरेशन एंड डिजिट। अच्छा, हम क्या देख रहे हैं कि सर ये जो हो गया ना, ये क्या किया है कि 2 का स्क्वायर कर दिया है या 2 का क्यूब कर दिया सर, और इसको क्या कर दिया है, 3 से गुना कर दिया है, स्क्वायर करके इसको गुना कर दिया है। इसी प्रकार से सर 3 का क्यूब कर देंगे और किससे गुना कर देंगे, 3 से, आंसर क्या जाएगा, 81। अगर आपको लग रहा है कि सर नहीं स्क्वायर कर दिया और दो दोनों का 4 हुआ, और 4 को किससे कर दिया, 6 से, तब हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, इसको कितना से गुना कर देंगे, 6 से। अब जो है तो आंसर आप कहिएगा सर कि स्क्वायर और क्यूब में किसको मारें, स्क्वायर क्यूब में कभी भी आंसर चाहे तो स्क्वायर का देगा चाहे तो आपका आंसर क्यूब का देगा, दोनों का दोनों एट ए टाइम नहीं देगा, स्क्वायर क्यूब में आपको झंझट नहीं है। एक इसमें क्या होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिसको हम लोग लिखते हैं, जैसे कहने का मतलब है इसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि नंबर का स्क्वायर करेगा और नंबरे को जोड़ देगा, या नंबर का क्यूब करेगा और किसको जोड़ देगा, नंबर को जोड़ देगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे 4 का स्क्वायर किया तो 16 आया, और 16 में 4 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 20 आ गया। यहाँ पर पूछेगा 5 और 8, तो हम इसको क्या देखें सर कि इसको स्क्वायर के रूप में देखें, सर ये 4 का स्क्वायर प्लस 4 है, मतलब नंबर का स्क्वायर और नंबर जोड़े, वैसे इस लॉजिक को कहा जाता है स्टैंडर्ड। ये क्या होता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये स्टैंडर्ड लॉजिक होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर या क्यूब करके उस नंबर को जोड़ देना। इसी प्रकार से सर ये पहला नंबर का स्क्वायर कर देंगे और कितना जोड़ देंगे सर, वो नंबर जोड़ देंगे तो आंसर कितना देगा, 30। अगर ऑप्शन में 30 नहीं रहा होगा इसका मतलब आपका नेक्स्ट प्रोसेस पे बढ़ेंगे, मतलब मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन, उसके बाद लास्ट में किस पे बढ़ेंगे तो ऑपरेशन एंड डिजिट बढ़ेंगे। तो अब देख रहे होंगे कि पहला देखेंगे, चेक करेंगे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर से काम नहीं बना उसका, अगर ऑप्शन में मौजूद नहीं रहेगा तो फिर स्क्वायर एंड क्यूब, स्क्वायर एंड क्यूब में भी देखें कि पहला होता है कि इंडिविजुअल नंबर का स्क्वायर क्यूब हो सकता है, अलग अलग नंबर का, या एक नंबर होगा दूसरे नंबर का स्क्वायर और क्यूब होगा। इसी प्रकार से सर इनडायरेक्ट होता है जो रिलेशन, उसमें क्या होता है कि स्क्वायर क्यूब डायरेक्ट नहीं देगा, वो क्या करेगा, कोई नंबर को ऐड करेगा या कोई नंबर को उसमें से घटाएगा या कोई नंबर को उसमें से गुना करेगा या कोई नंबर को उसमें से भाग देगा, या स्क्वायर करने के बाद नंबर को जोड़ेगा या क्यूब करने के बाद क्या करेगा, नंबर को जोड़ेगा। अगर इनमें से स्क्वायर क्यूब का भी आंसर बनाने के बाद ऑप्शन में मौजूद ना होगा तो नेक्स्ट हम किसके पास जाएंगे, तो मल्टीप्लीकेशन एडिशन, और फिर लास्ट में किस में जाएंगे तो ऑपरेशन एंड डिजिट जाएंगे। तो आज के लिए काफ़ी, के लिए आज के क्लास के लिए काफ़ी था आपको, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको देखेंगे कि और क्या क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन का क्या होगा सर, मल्टीप्लीकेशन नहीं लगेगा तो एडिशन का क्वेश्चन कैसे आता है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और उससे भी इम्पोर्टेंट देखेंगे ऑपरेशन ऑन डिजिट देखेंगे, जो आपके एग्जाम में क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो बहुत ज़्यादा पूछे जाने में से एक क्वेश्चन होता है।
तो उसको देखेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगा वो थ्योरी क्लास ही होगा, फिर उसके बाद जो दो क्लास होगा वो आपका केवल प्रॉब्लम बेस्ड होगा क्वेश्चन का, और उसमें हर स्टेप को आपको लगा के चेक करके बताएंगे कि देखिए फर्स्ट स्टेप में प्राइम नंबर नहीं लगा तो हम स्क्वायर क्यूब चेक किए, अच्छा वो भी नहीं लगा तो मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन, वो भी नहीं लगा तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और वो भी नहीं लगा तो ऑपरेशन एंड डिजिट लगा। अब क्या करना है आपको कि इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और इस पर रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उसको आराम से बनाना है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं ऐसा क्यों बोला हूँ कि गलती होने का चांसेस होता है, इसका रीजन होता है, जैसे आपको हम एक लिख के दिखाते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं एक नंबर लिखें कि दो लिखें और चार लिख दिए, यहाँ पे लिख दिया वाट, और यहाँ एक लड़का होगा कि सोचेगा सर कि दो ऐड करके ला रहा है, एक लड़का होगा सोचेगा सर गुना करके ला रहा है, एक लड़का होगा सर सोच रहा होगा कि स्क्वायर करके ले आ रहा है, एक लड़का होगा सर वो सोच रहा होगा कि सर दो का दो तिगुना कर देते तो छः में से दो घटा दे रहे होंगे, एक लड़का होगा सोच रहा होगा कि मल्टीप्लीकेशन को सर घटाना है तो चार गुना करके घटा लेते हैं, आठ है आठ में से चार घटा लेंगे, एक लड़का होगा वो सोच रहा होगा सर कि दो का स्क्वायर है तो दो का क्यूब में से सर आठ है आठ में से चार घटा देंगे तो कितना आ जाएगा तो चार आ जाएगा। तो दो नंबर जब दिया रहेगा तो इन दोनों नंबर को बनाने के लिए इनफाइनाइट लॉजिक लगेगा, अनंत लॉजिक हो सकता है आपके पास, लेकिन क्या अनंत लॉजिक लगाएंगे? तो नहीं, हम लोग क्या लगाएंगे तो जितने लिखे इन्हीं लॉजिक को लगाएंगे। इनमें से पहले प्राइम नंबर, स्क्वायर क्यूब, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, लास्ट में ऑपरेशन एंड डिजिट लगाएंगे। तो आज के क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।